नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं अभिनव कुमार आपके साथ। तपती धूप और बढ़ता तापमान लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था। लोग काफी इससे परेशान थे। आए दिन बिहार में कई जिलों में 44 से 45 डिग्री का तापमान चल रहा था। जैसा मैंने आपको खबरों में बताया था, कुछ दिन पहले मैंने दिखाया था कि लोग परेशान इतने हो चुके हैं कि घर से निकलना बेबस हो गया है। लेकिन सिटी पोस्ट में सबसे पहली खबर दिखा रहे हैं बारिश की। आपको तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके का जो माहौल है, बारिश का माहौल है। लोगों की कहीं ना कहीं खुशी का खबर है और भगवान ने कम से कम एक रूप दिया है कि जिस तरीके से लोग परेशान थे धूप में और कहीं ना कहीं लोगों की बात सुन ली गई है भगवान के द्वारा। और आज बारिश का मूड है, देखिए किस तरीके से माहौल है यहाँ पे, पूरा बारिश का नजारा है और लोग काफी उत्साहित होंगे इसको लेके। और हमारे साथ एक सहयोगी है बात करने के लिए, वो भी इंजॉय कर रहे हैं इस रेन को देख के। आइए उनसे बात करते हैं। जी बताइए सर, बारिश देख रहे हैं, कैसा माहौल है, कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत बड़ी राहत भरी खबर है और आपने यह बहुत अच्छा प्रयास है, आप लोगों को दिखाने का भी अच्छा प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल अभिनव जी, कि ये गर्मी से लोग बेहाल थे, परेशान थे, पूरे बिहार में तपिश भरी गर्मी से। आप कह सकते हैं कि औरंगाबाद में यहाँ तक कि कहा जा रहा है, और आप देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, सुन सकते हैं कि 35 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। तो इस प्रकार से थोड़ी सी बारिश भी उस रेगिस्तान में कहिए कि एक बहुत बड़ी चीज़ है और इस गर्मी से बहुत निजात मिलेगी और ये बहुत अच्छा चीज़ है। और बहुत अच्छा मौसम सुहाना हो गया है, थोड़ी सी ही बारिश से लोगों को बहुत राहत मिलेगी। तो देखा इन्होंने क्या कहा कि आज बारिश का खुशनुमा ये जो पल चल रहा है काफ़ी खुशनुमा है और मैं भी इसको लेके एंजॉय कर रहा हूँ। मैंने आपको तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाया कि किस तरीके का माहौल बन गया है। और सबसे पहली खबर सिटी पोस्ट में दिखा रहा हूँ ये बारिश की, कि इतनी धूप होने के बावजूद आपने देखा भी, खबर में भी दिखाया है कि इस लू के कारण चपेट में आने से कई लोगों की मौत हो चुकी थी। लेकिन लोग जिस तरीके परेशान थे और बेहाल थे, आज एक खुशी की खबर मिली है और एक बारिश हुई है और कितना सुहावना मौसम हो गया, मैंने आपको भी दिखाया तस्वीरों के माध्यम से। तो एक खुशी की खबर है और खुशी की खबर मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूँ। इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसको दोस्तों के साथ खूब शेयर करना ना भूले और बेल आइकन दबा दे ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। प्यार समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। यहाँ पढ़ती है भविष्य की मजबूत नींव, हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए। NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा बेटा पटना।